ग्यारहवीं की छात्रा से गैंगरेप और ब्लैकमेल कर 5 लाख रुपए आंचने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, एक नाबालिग को डिटेन किया है। मामला अजमेर के क्रिश्चियनगंज थाना क्षेत्र का, आरोपियों से पूछताछ में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। इधर मामले में अजमेर रेंज IG लता मनोज कुमार के निर्देश पर SIT का गठन किया गया। इसमें ASPCO सहित 17 लोगों की टीम को जाँच के निर्देश दिए। पुलिस के अनुसार ये पूरी गैंग हो सकती है जो स्कूल कॉलेज और कोचिंग छात्राओं को फंसा कर ब्लैकमेल करती है। छात्रा को उसकी सहेली ने आरोपी की इंस्टाग्राम ID देकर दोस्ती करवाई। यही नहीं, आरोपी पॉर्न फिल्म देखने और नशे का आदि था। पुलिस उस कोचिंग छात्रा की भूमिका को लेकर भी कई लोगों से पूछताछ करी, जिसकी मदद से पीड़ित छात्रा को नेटवर्क में फंसाया गया। थाना इंचार्ज अरविंद चारण ने बताया कि शनिवार 1 जून को गिरफ्तार दोनों आरोपी राती डांग निवासी इरफान और उसके फोटोग्राफर दोस्त नौसर निवासी अरबाज को रविवार को 2 दिन के रिमांड पर लिया गया। इनके मोबाइल और कॉल डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं। जो भी दोषी होगा उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अजमेर SP देवेंद्र विश्नोई के अनुसार 30 मई को पीड़ित कोचिंग छात्रा के पिता ने किशनगंज थाने में इरफान और अरबाज समेत 6 लोगों के खिलाफ नाबालिग बेटी को ब्लैकमेल करने और गैंगरेप करने का मामला दर्ज कराया। उधर अजमेर दक्षिण से विधायक अनिता बदेल ने कहा कि स्कूली छात्रा को ब्लैकमेल और रेप करने की यह घटना 1992 के अजमेर कांड की याद दिलाती है। पुलिस को आरोपियों के मोबाइल फोन का काफी डेटा गायब मिला। पुलिस उसे रिकवर कर रही ताकि पता जा सके कि छात्राओं को ब्लैकमेल करने वाले इस गिरोह में और कितने लोग शामिल हैं, किन युवकों की क्या भूमिका थी। पुलिस को इस मामले में कुछ युवकों से अहम जानकारी मिली। पुलिस को ये जानकारी भी मिली कि इरफान और अरबाज पॉर्न फिल्म देखने के साथ नशे के आदि हैं। माकड़वाली रोड, आना सागर चौपाटी, राती डांग और पुष्कर रोड के आसपास के कुछ रेस्तरा में इन युवकों का स्कूली छात्राओं के साथ आना जाना है। पुलिस ने ऐसे स्थानों को भी चिन्हित किया जहां आरोपी छात्रा को लेकर जाते थे। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अलग अलग टीमों से आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश दी।